गीता ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी बहुत ही अच्छे हैं। अभी देखिए ना, भगवान जी के रूम पर है, आप लोग देखकर समझ ही सकते हो। चलिए दिखाते हैं। तो अभी भगवान जी का प्रसाद उठाएंगे और फिर प्रणाम करेंगे, क्योंकि बेटी लाने जाना है तो सब काम करके पूरा रेडी हो जाते हैं। और जब बेटी को लेके आते हैं, बेटी नहाती है। मैं भी फिर से एक बार शावर ले लेती हूँ। आज जैसे ठंडा है तो शावर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत गर्मी होती है यहाँ पर, क्या है कोलकाता में ना, अभी तो रेनी सीजन चल रहा है, मगर यहाँ पर की वेदर बहुत ही गर्म है, जैसे समर सीजन में होता है ना। मगर आज का वेदर बहुत ही अच्छा है, तो आज शावर लेना नहीं पड़ेगा। नहीं तो इतना धूप में आते हैं ना बेटी को लेकर, फिर जैसा कि हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो तब शावर लेना पड़ता है। तो आज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान जी का प्रसाद उठाएंगे, रेडी तो हो गए हैं। अभी ब्लॉग करेंगे, आप लोगों के साथ बातें करेंगे, फिर उसके बाद बेटी को लाने जाएंगे। तो चलिए भगवान जी का प्रसाद उठाते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। भगवान जी का प्रसाद उठाना हो गया। देखिए यहाँ पर काजू है। तो भगवान जी को एक ही टाइप का खाना रेडी हम नहीं देते हैं, कभी नूपुल दाना देते हैं हम। बंगाली एक स्वीट है होता है जो भगवान जी को चढ़ाते हैं, कभी बताशा देते हैं, सब कुछ बंगाली स्वीट है, बिकॉज आई एम बंगाली, दैट्स वाई। तो आज हम काजू चढ़ाए हैं और जो आलमंड होता है ना वो भी चढ़ाते हैं, किशमिश भी चढ़ाते हैं। भगवान जी को वैरायटी देते हैं, क्योंकि हम लोग भी वैरायटी खाते हैं ना। एक टाइप का खाना खाने से हम लोगों को कैसे होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से भगवान जी को भी अलग अलग प्रसाद चढ़ाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स छत पर जाते हैं। आज का वेदर बहुत ही क्लाउडी है। एक्चुअली आज यहाँ पर बारिश भी हुआ था, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ की वेदर क्लाउडी है और सन रे बहुत ही कम है। छत पर जाएंगे ना, ढेर सारा बिजली आएगी, आई मीन सन रे आएंगे, तो वहाँ पर से ना आप लोग क्लियर देख भी पाओगे। और आज है सैटरडे और आज हम आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टिप्स भी शेयर करेंगे। देखते हैं, छत पर जाते हैं फिर बताते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर बारिश भी हो रही है। थोड़ा थोड़ा आप लोग देख नहीं पाओगे, थोड़ा थोड़ा होता है ना, वैसा हुआ है। और बहुत ज़ोर से हवा चली, तो यहाँ पर देखिए ये गिर गया। अभी इसको उठाना पड़ेगा। चलिए उठाते हैं, फिर आप लोगों के साथ बातें करते हैं। कपड़े उठा लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ना बारिश हो रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये नींबू का पौधा है ना, तो यहाँ पर कांटे होते हैं ना, तो कांटे में ये फंस गया है। देखिए चलिए इसको खोलते हैं। चलिए हो गया। और इसका नींबू देखेंगे आप लोग, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए कैसा लग रहा है, खाएंगे। हम बंगाली लोग क्या करते हैं, राइस के साथ नींबू भी ऐड करते हैं, ठीक है, और ये ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। कपड़े उठा रहे हैं, अभी तक सूखा नहीं है, हल्का हल्का गीला ही है, मगर ना हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से जो भी सूखा है वो भी भीग जाएंगे। तो इस वजह से कपड़े उठा लेते हैं, फिर बातें करते हैं आप लोगों के साथ। यहाँ पर देखिए चादर की हालत देखिए, बहुत ज़ोर से हवा चल रही थी थोड़ी देर पहले ही, तब मैं नहा रही थी। चलिए उठा लेते हैं। अभी तक बहुत अच्छे से सूखा नहीं है। देखिए आप लोग ये वाला पोर्शन सूख गया और यहाँ पर सूखा नहीं है, भीगा है। चलिए उठा लेते हैं, फिर आप लोगों के साथ बातें करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कपड़े वगैरह पूरा उठा लिया है मैंने। वहाँ पर देखिए चेयर में रखे हुए हैं। अभी बाहर बारांदा पर इसको फिर से टंगा देंगे और रात भर टंगा रहेगा ना, सुबह सूख जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है अभी भी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई, एक टिप्स देने वाली हूँ। चलिए पहले दिखाते हैं, फिर आप लोगों को टिप्स शेयर करते हैं। आप लोग देख ही पा रहे हो, ये तुलसी का पौधा है, देख पा रहे हो ना, मगर थोड़ा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। इसका डंडल देखिए, थोड़ा डार्क कलर का है, है कि नहीं। चलिए बैक कैमरा करके दिखाते हैं और इसके जो गुण हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये डार्क ब्राउन कलर का है, इसको कहते हैं कृष्ण तुलसी या तो फिर श्याम तुलसी भी कहा जाता है। इसका डंठल आप लोगों को पहचान करा देते हैं। इसका डंठल देखिए डार्क ब्राउन कलर का या तो फिर पर्पल कलर का है, देखिए। और धीरे धीरे ये पत्ता जितना टाइम लेगा ग्रो होने में, धीरे धीरे ये डार्क होना और भी डार्क होना स्टार्ट कर देगी। ये ना हम लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। देखिए इसका, इसको हम बंगाली लोग इसको, इसके फ्लावर को मुंजूरी कहते हैं। ये इतना गुणकारी है फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या पता है। इसको खाने से हम लोगों को मलेरिया का जो बुखार होता है, मलेरिया, कॉलेरा, डायबिटीज़, ब्रोंकाइटिस, दांत का दर्द, फेफड़े का रोग, जो जो होता है ना वो नहीं होता है। तो आप लोग सुबह खाली पेट उठकर कृष्ण तुलसी का सेवन ज़रूर करें। अगर नहीं खा सकते हो पानी के अंदर डालो, मगर खाने में अच्छा ही लगता है। मैं तो खाती हूँ और आप लोगों को खा कर भी दिखाती हूँ। चलिए दिखाते हैं, बहुत गुणकारी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गुणकारी है। देखिए जितना हो सके, मैं जैसे एक लिया, मैं तो जितनी बार छत पर आती हूँ उतनी बार ही मैं खाती हूँ। बहुत गुणकारी है, इवन सर्दी जुकाम जो हम लोगों का हमेशा होता है। अभी थोड़ा बारिश ज़्यादा ही गिरना स्टार्ट हो गया तो छत के ऊपर से नीचे आ गए हैं फ्रेंड्स, और अभी हम बरामदा पर है। अभी कपड़े सुखाने देंगे, जैसे कि मैं बोल रही थी, अभी यहाँ पर कपड़े सुखाने देंगे ना तो रात भर में ये कपड़े सूख जाएंगे। सुबह के टाइम जब हम इसको उठाएंगे तो देखेंगे कपड़े टोटली सूख गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े देना हो गया, अभी रूम के अंदर चलते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं, नहीं तो ढेर सारे मच्छर आ जाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मेरे घर में बहुत सारे पौधे हैं ना, ढेर सारे पौधे हैं और बगीचे पर तो बहुत ज़्यादा ही पौधे हैं और बहुत मच्छर भी है। पता है जहाँ पर पौधे हैं वहाँ पर मच्छर भी ढेर सारे होते हैं। तो चलिए रूम के अंदर चलते हैं, नहीं किचन के अंदर चलते हैं। और आज हमने क्या बनाई है आप लोगों के साथ तो शेयर करना मैं भूल ही गई। तो चलिए आज हमने क्या बनाई है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और दिखाते हैं। आइए देखिए, अच्छा लगेगा। 입사깃 빛바람이 부는 오늘 같은 날 세상 누구보다 그댈 사랑한다는 그 말 오늘 너에게만 설레는 맘 담아 너에게만 말할래 햇살 가득 담은 그대 얼굴이 너무 보기 좋아 오늘 내일도 모레도 세상 끝날까지도 어떤 일이 있더라도 서로 तो चलिए रूम के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं क्योंकि अभी ही थोड़ी देर बाद ड्राइवर का फोन आ जाएगा और बेटी को लाने बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा। तो थोड़ा बैठ जाते हैं, रेस्ट ले लेते हैं। तो आज सैटरडे है, इस वजह से आज हमने पनीर बनाया है। तो पनीर की रेसिपी अगर आप लोगों को जानना है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूँगी, आप लोग जस्ट क्लिक कीजिए और रेसिपी देख लीजिए और गर्म गर्म बना के घर पर खाइए, बहुत ही यम्मी है, पता है। तो चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। अच्छे से रहिए, खुश रहिए और मुझे बिल्कुल मत भूलिए, मेरा ब्लॉग देखा कीजिए। बाय।